ग्रहों का अशुभ असर चुटकियों में होगा दूर। रत्न और उपरत्न सफल बनाएंगे आपका जीवन। कुंडली में ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा रत्न होगा आपके लिए बेस्ट, राशि अनुसार जाने कौन सा रत्न आपको दिलाएगा अपार सक्सेस। बता रहे हैं दैविज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ब्लैडर का अशुभ असर दूर कर आप सक्सेस पा सकते हैं, और यह उपाय, यह जो जेम्स स्टोन है, आपको लाभ दिला सकता है। जानिए आपके जोडियक साइन के लिए कौन सा रत्न होगा आपके लिए शुभ। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस राशि के जातकों को मूंगा रत्न धारण करना लाभप्रद होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस राशि के जातकों को हीरा, ओपल या झरखन पहनने से लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनके लिए उनके कारक जो हैं, उनके लग्नाधिपति जो हैं वह बुध हैं। इस राशि के लोगों के लिए जो रत्न है वह पन्ना इनके लिए शुभ फल प्रद होगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, लिहाजा इन लोगों को मोती पहनना चाहिए। मोती धारण करने से मानसिक शांति मिलती है और मानसिक संबल बढ़ता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। इस राशि के लोगों को शुभ फलों के लिए आपको बता दें कि माणिक्य, जिसे रूबी भी कहा जाता है, यह रत्न धारण इन्हें करना चाहिए। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि के जातक को अच्छे नतीजे प्राप्त करने के लिए, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए पन्ना रत्न जो है वह धारण करना चाहिए। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस राशि के जातकों के लिए भी वृषभ राशि की तरह ही हीरा, ओपल या जरकन पहनने से लाभ प्राप्त होगा। आपको बता दें कि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। इस राशि के जातकों को मूंगा पहनना चाहिए, मूंगा इन्हें लाभ प्राप्त कराएगा। गुरु के जो स्वामी वाली जो राशि है वह धनु राशि है। इन धनु राशि वाले के जातकों के लिए पुखराज धारण करना चाहिए। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। इन राशि के लोगों को नीलम रत्न पहनने से लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। इन्हें भी जो है नीलम रत्न धारण करना चाहिए। और अंतिम जो है वह मीन राशि है। मीन राशि के जातक के लिए पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। यह तो हुई राशि के अनुसार रत्न पहनने वाली बात। आपको बता दें कि जब जन्म लेते हैं, जब जोडियक बनता है, जब कुंडली बनती है, तो सभी ग्रह अपनी अपनी राशि में होते हैं। तो अपनी राशि में रहने के कारण सबकी अपनी अपनी राशि हुई, तो निश्चित रूप से आपकी अगर राशि कोई भी है तो आप अपनी जन्म पत्रिका में दिखाने की आपके राशि जो है लग्नाधिपति हैं या चंद्र के स्वामी जो हैं वो जो है, मतलब राशि जो है, क्योंकि चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक के ग्रह हैं और यही चंद्र राशि है। तो कोई भी रत्न धारण करने के पहले आप अपने कुंडली का परीक्षण करा के देख लें कि आपके लिए क्या यह रत्न उपयुक्त है। क्योंकि सभी रत्नों में मारने की क्षमता होती है, बिगाड़ने की क्षमता होती है, नाश करने की क्षमता होती है, बढ़ाने और घटाने की क्षमता होती है। इसलिए कभी भी तृतीय स्थान, खष्टम स्थान, अष्टम स्थान और व्यय स्थान, इस स्थान का रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर आपके राशि क्यों, आप चूंकि मान लिया जाए आपकी कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी जो हैं वह चंद्रदेव हैं, मतलब चंद्रमा है, तो आप मोती आपके लग्नाधिपति होने के कारण आप पहन सकते हैं, या चंद्र राशि में भी आप मोती पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप देखें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस स्थिति में बैठे हुए हैं। वो सुषुप्ता भाव में है, वह मृत्यु स्थान में, वो रोग स्थान में है। तो इसलिए बिना इसका आकलन किए हुए अगर आप कोई रत्न धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको रोग, बीमारी, चोट और परेशानियां बढ़ सकती हैं। जैसे
कोई ड्राइवर आंख बंद करके 100 किलोमीटर गाड़ी अगर चला दिया और अपने गंतव्य पे सुरक्षित पहुंच गया, तो आप ये बताएं कि ड्राइवर भाग्यशाली है या पैसेंजर भाग्यशाली है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि दोनों ही भाग्यशाली हैं और दोनों का भाग्य ठीक था तो उस जगह वहाँ पे पहुँच गए। ठीक उसी प्रकार आप कोई बुरा रत्न पहनते हैं और उसके बावजूद भी आपको परेशानी नहीं होती है और आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच जाते हैं, तो आप ये न समझें कि वह आपको लाभ दे रहा है, क्योंकि रत्न में लाभ देने की भी क्षमता है और हानि देने की भी क्षमता है। रत्न आपको रंक भी बना सकता है और राजा भी बना सकता है। आप अपनी जन्म पत्रिका से देखिए कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या आपके कुंडली में कोई भी रत्न पहनने के योग है। अगर नहीं है तो क्यों पहनेंगे, अगर है तो क्यों नहीं पहनेंगे। हम अपनी शक्ति के अनुसार जो भी रहेगा। रत्न जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस, मतलब रत्न और उपरत्न। अगर आपको धारण करना है तो पहले आप जांच करा ले, परख करा ले। जैसे आपको किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप उसका जांच कराएं कि धारण करेंगे, कोई रत्न खाएं, कोई रक्त थेरेपी में आएंगे या कोई दवा लेंगे। उसी प्रकार कोई भी रक्त पहनने के पूर्व आप उसका अच्छे से उसका आकलन करा लें, समझ लें, उसके बाद धारण करें। बेहतर रहेगा कि आप न धारण करें, बिना जांच सोचे समझे रत्न आपको परेशानी की तरफ धकेल सकता है और कई प्रकार की समस्याओं को दावत दे सकता है, बिना दिखाए बिना समझे। चूंकि आजकल घर घर में ज्योतिषी पैदा हो गए हैं, इसलिए कभी भी बिना जानकार तीन लोगों का अब जीवन में बड़ा महत्व है। कभी भी रोड चलते हुए वकील से राय नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह जीवन भर आपसे राय जीवन साल भर वह मजबूर पढ़ते रहेंगे और पता चलेगा परिस्थितियां कहीं और आपकी चलेगी। अच्छे वकील रहेंगे तुरंत रिजल्ट देंगे और तुरंत आपको समझा देंगे। अच्छे डॉक्टर से दिखाई, दूसरा जो अच्छा डॉक्टर आपको कम दवा दिखाएगा और आपको तुरंत ठीक करेगा, और नहीं तो पता चलेगा क्वैक टाइप के जो डॉक्टर है वह आपको सभी प्रकार की दवा लिखते रहेंगे और आपको एंजाइम लिख देगा, पैरासीटामोल लिख देगा, एंटीबायोटिक लिख देगा और एंटासिड लिख देगा, कोई ना कोई तो काम करेगा। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, उससे आपके शरीर के कई ऑर्गन प्रभावित हो सकते हैं। आप हमेशा अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहें, उसी प्रकार हमेशा अच्छे ज्योतिषी के संपर्क में रहें। बिना समझे और कोई कुछ कहता है तो आप बताएं कि वेयर इज द रिटन। आप जो भी कोई बात बोले आप पुस्तक का एविडेंस देखिए, हमारे यहाँ सभी चीज लिखा हुआ है। अपना मनगढ़ंत और अपने मन की बात नहीं है, शास्त्र जो कहता है, पुस्तकें जो कहती हैं, जो यूनिवर्सिटी में बुक चलते हैं, आप वह बिल्कुल देखें समझें तब कुछ धारण करें। जल्दीबाजी में किया हुआ काम, जल्दीबाजी में धारण किया हुआ रत्न आपकी परेशानी को दावत दे सकता है। आप सभी के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए आप सबको यह वीडियोज अच्छा लगेगा, यह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके भविष्य के लिए बेहतर हो, इसी कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।